दादाजी दिया बाता। पुत्र जी, आज मेरा एक पुराना मित्र आ रहा है मेनू मिलन, इस करके मैं बाजार जा रहा, फिर आके मैं तुहानु साखी सुनावांगा। हां जी ठीक है दादाजी। आओ आओ दादाजी, सानू साखी सुनाओ। हां हां सुनाना वा। बच्चियो थोड़ी देर ठहर जो, मेरा मित्र भी आने वाला है। हेलो, वो आ ही गया। आओ जी आओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। होर ओंकार सिंह, की हाल चाल है थोड़ा? मैं तो ठीक हाँ, तुसी सुनाओ अपनी। मेहर है सच्चे सतगुरु दी, इनू मिल धर्म सिंह, ये मेरा पोता है। खैड़ी पै गया, कहंदा दादा जी मैं भी थोड़े नाल जाना। हाँ बड़ी चंगी गल है। कहंदा फतेह सिंह दे दादा जी कोलो मैं भी साखी सुनांगा। वधिया, बहुत वधिया। मैं तुहानू साखी सुनाना वा। हां जी ठीक है दादा जी। गुरु नानक देव जी जदों तिब्बत पहुंचे अते उत्थों समेर पर्वत ते जा चढ़े, जो मान सरोवर दे कंडे ते है। इत्थे पहाड़ां दियां गुफावां विच सिद्ध ते जोगी निवास करदे सन। ओह गुरु जी नूं अते उहनां दे साथियां नूं उत्थे देख के बड़े हैरान होए, क्योंकि इन्नी ऊंचाई ते पहुंच पाउणा किसी आम इंसान दे वस दी गल नहीं सी, अते केवल सिद्ध लोग ही अपनियां करामाती ताकतां दे आसरे उत्थे पहुंचदे सन। ओह गुरु जी नूं पुछण लगे कि तुहानूं कीड़ी शक्ति इत्थे लै के आई है, तां गुरु जी ने अगों जवाब दिता, हौ जपिया परमेसरो पाउ भगती संग ताड़ी लाई। गुरु पातशाह जी ने सिद्धां नूं उपदेश दिंदे होए फरमाया, घर बार त्यागना, पिंडे ते सुआ मलना, कन्नां विच मुंदरां पाउणियां आदि साधना राहीं प्रभु दी प्राप्ति नहीं हो सकदी। बच्चियो गुरु जी ने कहा, सगों प्रेमा भगती अते सच्चे मन नाल उस दी कीती सिफत सलाह नाल ही प्रभु नूं प्राप्त कीता जा सकदा है। हैं दादा जी? हाँ, अगे सुनो। उना सिद्धां विच्चों मुख पंगरनाथ, परथरी ते गोपीनाथ सन, ते गोरखनाथ सब दा प्रमुख सी। विचार चर्चा विच जोगी गुरु जी दी चाल ना चल सके ते करामातां दिखाउण लगे। उना ने गुरु जी नूं रिद्धियां सिद्धियां दिखा के प्रमाण दी कोशिश करदियां कहा, ए चिप्पी लै जाओ ते सामने बौली विचों पानी पार के लियाओ। उना ने अपनियां करामातां नाल बौली हीरे मोतियां नाल भर दित्ती, तां जो गुरु जी हीरे मोतियां दे मोह विच फस के उना दे चेले बन जान। ओंकार सिंह, फिर गुरु जी जोगियां दे कहण उत्ते बोली विच्चों पानी भरन लई गए फिर? हाँ हाँ धर्म सिंह, गुरु जी गए, पर जदों गुरु जी पानी बिना भरे वापस आ गए तां सिद्धां दे ए पुछण ते कि तुसी पानी क्यों नहीं ले आए, तां गुरु जी ने जवाब दिता, सिद्ध जी उत्थे पानी नहीं सी ते उत्थे जो सी ओ साडे कम दा नहीं सी। भला फिर की होया ओंकार सिंह? सुनो,
ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਾਦਾ ਜੀ? ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਕੂੜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਸਿੱਧਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਾਲੇ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति, प्रेमा भगती है प्रभु प्राप्ति, प्रेमा भगती है प्रभु प्राप्ति। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁਗਤੀ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁਗਤੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲੋ ਮੁਕਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, प्रेमा भगती है प्रभु प्राप्ति, प्रेमा
भगती है प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति। शब्द गुरु है प्राण है हस्ती, शब्द गुरु प्राण है हस्ती, शब्द गुरु दी चेली सुरती, प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति, प्रेमा पगती है प्रभु प्राप्ति, प्रेमा पगती है प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति, प्रेमा पगती है प्रभु प्राप्ति, प्रेमा पगती है प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्राप्ति। अच्छा प्यारे बच्चियों, ये दसो गुरु नानक देव जी ने जोगियां नू संसार दा भला करन दा उपदेश किथे दित्ता सी? सुमेर पर्वत किस दे कंडे है? जगत विच लोकाई दा की हाल है? कौन गुरु जी तो पुछन लगा? प्यारे बच्चियो, इस QR कोड नू स्कैन करके जां डिस्क्रिप्शन विच दित्ते लिंक ते क्लिक करके इना प्रश्ना दे जो सही उत्तर देवेगा लकी ड्रॉ राही चोन करके उस नू इनाम दिता जावेगा। जे तुहानू ए वीडियो पसंद आई ते इस वीडियो नू लाइक शेयर ते कमेंट करो। दादा जी दिया हो वीडियोस वेखन ले इस चैनल नू सब्सक्राइब करो।